जमान पार खिलाड़ी का मरकज बन गया। इमरान खान की हिफाजती पीटीआई के कारकुनान की बड़ी तादाद कप्तान की रिहाइश गाह के बाहर मौजूद है। पुलिस का भी इलाके में गश्त मजीद बढ़ गया। लाहौर पुलिस के मुताबिक इमरान खान की गिरफ्तारी के ताहाल अहकामात नहीं मिले। खिलाड़ियों ने इमरान खान की गिरफ्तारी की किसी भी कोशिश की सख्त मुजाहमत का अज़्म जाहिर कर दिया। पाकिस्तान के कप्तान इमरान खान की गिरफ्तारी का फैसला हो चुका है। लाहौर में जितने कारकुनान मौजूद हैं, वो फौरी तौर पे जमान पार पहुंचे। जान लड़ाएंगे, कप्तान की गिरफ्तारी की कोशिश नाकाम बनाएंगे। खिलाड़ी डट गए। मुराद सईद की कॉल पर जमान पार को पीटीआई कारकुनों ने हिसार में ले लिया। पुलिस पार्टी को देखकर कारकुन मोबाइलों के पीछे दौड़ पड़े। कारकुनों ने इमरान खान की जमानत मंसूखी पर भी नाराजगी का इजहार किया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मामले पर गौर की अपील कर दी। जो आजाद शेर है, जंगल का शेर, उसे पाबंदे सलासल करना चाहती है। इनको हमारे यहाँ जो हजारों कारकुन है, इनकी लाशों से गुजर के जाना पड़ेगा। देखे, इमरान खान को हम अरेस्ट नहीं होने देंगे, ठीक है। यहाँ पर तमाम वर्कर्स जो है अपनी जान के नजराने पेश करेंगे। गोलियां लगी हुई है, अभी उनकी हड्डी ऊपर से जख्म तो ठीक हो गया, लेकिन अभी अंदर हड्डियां जो है ना वो हील नहीं हुई, चूंकि एज फैक्टर है। लाहौर पुलिस के मुताबिक ताहाल इमरान खान की गिरफ्तारी का हुक्म नहीं मिला। कप्तान की हिफाजती जमानत मंसूख होने के बाद से इमरान खान की गिरफ्तारी का खतरा बढ़ गया है। शाम से ही कारकुनों की जमान पार कामत का सिलसिला शुरू हो गया, जो रात गए तक जारी रहा। इस दौरान खिलाड़ी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी भी करते रहे। बोल उड़ाएगा सबका होश, भूल जाएंगे सब अपना जोश। देखिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी PSL ट्रांसमिशन, सकलैन मुश्ताक, रमीज राजा, सोहेब अलवी, जमील फारूकी और फहीम खान के साथ खेल का जुनून, रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।